नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सबसे ज़्यादा देखो अभी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं AGTA और केन सुपरवाइज़र के सिलेबस से रिलेटेड कि सर क्या इनका सिलेबस एक जैसा रहेगा, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में ठीक है ये जो पहले परीक्षाएं हुई हैं अलग अलग संपन्न कराई गई हैं, क्वेश्चन की संख्या में अलग अलग थी। तो इस बार अगर भर्ती अलग अलग हुई तो सिलेबस क्या रहेगा, एक तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जूनियर असिस्टेंट जो भर्ती है UPSSC 2019 की, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड अभी मुझे मिल रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखो, एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि आयोग द्वारा अपने UPSSC द्वारा एक नया भर्ती का कैलेंडर निकाला जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्पेशली अगर आप लोग AGTA या फिर गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको उस पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, पैट एग्ज़ाम 2022 से भी बहुत सारी नई भर्ती आने वाली हैं। 15-16 अक्टूबर को पैट एग्ज़ाम 2022 यहाँ पे शेड्यूल किया गया है अब UPSSC द्वारा। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मैं आपके लिए ऐड कर दूँ। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ PET एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है, और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200+ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिल जाएंगे। PET एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ MCQs को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं PET एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके PET एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन इन किताबों के साथ। सबसे पहले देखो बात करेंगे हम लोग जूनियर असिस्टेंट 2019 के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक आपका धरना प्रदर्शन हुआ था 5 तारीख को, ठीक है, जिसमें आए थे आपके लोअर PCS वाले छात्र। इससे पहले भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें लोअर PCS के छात्र थे, साथ ही साथ आपके जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो भर्ती है उसके छात्र थे। तब उनसे कहा गया था अगस्त का कि अगस्त में ये नोटिफिकेशन जो आपका आया था 19 में इसका रिजल्ट हम लोग निकाल देंगे। लेकिन देखो ऐसी भर्तियाँ इनमें थोड़ी देरी हो गई आपकी आगामी और भर्तियों के कारण, थोड़ा इसके काम के कारण। तो दोस्तों 5 तारीख को लोअर PCS वालों से कहा गया था कि 30 सितंबर के पहले पहले हम आपका रिजल्ट निकाल देंगे। साथ ही साथ वहीं पे जानकारी अभी ये मिल रही है कि आपका जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट लोअर PCS से पहले आ सकता है आपका सितंबर में, ठीक है, सितंबर के दूसरे हफ्ते तक आपका ये रिजल्ट UPSSC द्वारा निकाला जा सकता है। इस पर काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 में जो भी छात्र हैं भैया, सितंबर में आ जाएगा आपका रिजल्ट, चिंता मत करें, आगामी जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी और करते रहें। अब बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट, क्या AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस अलग अलग रहेगा। भाई देखो ये जो भर्तियाँ हैं, अगर गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में बात करें तो 2016 में संपन्न करवाई गई थी ये परीक्षा, AGTA 2018 में संपन्न करवाई गई थी। दोनों परीक्षाओं में जो सिलेबस में सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट बिल्कुल सेम थे, लेकिन जो क्वेश्चंस की संख्या थी वो उस टाइम अलग अलग रखी गई थी। उस टाइम पैट नहीं होता था, लेकिन आयोग द्वारा अब पैट एग्ज़ाम के बाद ही आपको ये परीक्षाएं देने को मिलेंगी, ठीक है, चाहे आपकी ये साथ में आए या फिर अलग अलग आए। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि बहुत अधिक चांस हैं कि जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती है आपकी वो आगे टलेगी। अब गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती को कुछ लोग TA की समझ गए कि सर आपने TA का कहा था कि अरे अब तो आ जाएगा 21 के जो पैट था उससे, तो क्या अब ये भी डिले होगी। भैया मैंने कृषि प्रावधिक का साफ साफ कहा है 21 के पैट से आपकी ये भर्ती आ जाएगी, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक की अभी कोई जेन्युइन जानकारी नहीं मिल पा रही है,
ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन जानकारी एक तो मिलेगी, तो वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा कि भर्ती आपकी 3477 पद हैं उसमें आएगी या फिर अलग से आएगी। लेकिन सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस दोनों का सेम ही रहेगा। आप अगर प्रीवियस पेपर आपके पास हो तो आप उसको उठा के देख लेना, सब्जेक्ट आपको एक जैसे मिल जाएंगे। क्वेश्चंस उनमें थोड़े किसी जैसे गन्ना पर्यवेक्षक में कुछ क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा पूछ लिए गए, टीए में कम पूछ लिए गए, तो क्वेश्चंस आपको जो संख्या है वो आगे पीछे थी पिछले बार, सब्जेक्ट पिछले बार भी सेम थे और इस बार भी ये सब्जेक्ट आपके सेम ही रहेंगे। और देखो पैट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहना। अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत अधिक चांस हैं कि जो गन्ना पर्यवेक्षक के पद हैं वो पैट 2022 में जाएंगे, ठीक है। 100% तो मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन बहुत अधिक इस चीज़ के चांस हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक जैसा रहेगा, टीए की ही अच्छे से तैयारी कर लेना तो गन्ना पर्यवेक्षक की वैसे ही हो जाएगी, लेकिन पैट में अच्छा स्कोर करना तभी उस मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिली है आयोग के पास 900 के आसपास जो गन्ना पर्यवेक्षक हैं उनके पदों का अधियाचन है अभी, ठीक है। तो अगर आयोग ने 30 गुना बुलाए तो 27,076 फिर बैठेंगे इसकी मुख्य परीक्षा में। फिर आपका जो कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका जो पैट में स्कोर रहता है मिनिमम तो 60 आपको रखना ही पड़ेगा। सिलेबस मैंने बता दिया, सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, टीए की अच्छे तैयारी में जुटे रहो बिल्कुल, साथ ही साथ आप अपने पैट की भी थोड़ी अच्छे तैयारी करते रहो। इतनी कर लो कि 60 नंबर आप आराम से ले आओ पैट एग्ज़ाम में, 60 ले आओगे तो उन 27,000 में बैठ जाओगे, क्लियर। अब अभी एक जानकारी सामने आ रही है आपके नए कैलेंडर से रिलेटेड। आपको पता होगा UPSSC ने अपना 2022 का भर्ती कैलेंडर निकाला था, उसके अनुसार एक भी भर्ती अभी संपन्न नहीं हो पाई है। 3 उसमें रिजर्व डेट थी, ठीक है, और चाहे वो लेखपाल उसमें दिया हो कि हम इस तारीख को कराएंगे वो भी नहीं हुआ, चाहे UDA LDA हो, चाहे आपका पैट एग्ज़ाम हो, सारे थोड़े डिले हो गए हैं। तो अभी जानकारी मिल रही है कि आपका एक और भर्ती कैलेंडर निकाला जा सकता है जिसमें आपकी जो आगामी भर्तियां हैं उनका वर्णन होगा, कब उनके पेपर संपन्न कराए जाने हैं उनका वर्णन होगा। तो बहुत ही जल्द आपको जो नया वाला कैलेंडर है वो देखने को मिल सकता है UPSSC के द्वारा, जो भी अभी जानकारियाँ सामने आ रही हैं उसके अनुसार, क्लियर। तो दोस्तों ये था, अच्छे से तैयारी करते रहो। स्पेशली मैं अभी AGTA वालों के लिए फिर से कह दूं, ठीक है, आपकी भर्ती बहुत ही जल्द आएगी, इतना बिल्कुल अपने दिमाग में रखो, 2021 के पैट से ही आएगी। कृषि प्रावधिक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कृषि प्रावधिक होता है AGTA, गन्ना पर्यवेक्षक को कृषि प्रावधिक नहीं कहते हैं भाई, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में अभी ये कन्फ्यूजन क्योंकि अभी तक चल रही है, तो कृषि प्रावधिक के बारे में मैं ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ 2021 के पैट का, क्लियर है। अच्छे तैयारी सभी लोग करते रहो, इससे रिलेटेड और जो भी जानकारियाँ आएंगी, एक तो मुझे अभी कैलेंडर का और पता करना है कि कब तक कैलेंडर आ सकता है, क्या इस पर और प्रोसेस चल रहा है, अभी मुझे सिर्फ कैलेंडर का क्योंकि आज पता चला था, क्लियर। दोस्तों चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो लोग TA की तैयारी कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक दी गई है, ज्वाइन करना चाहो तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।